रखना है तो हम भी सस्पेंस बनाए रखेंगे। कैनरी बचे हुए एक सोलो सर्वाइवर अपनी टीम से और वो लगातार बचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कोशिश बात करेंगे हाइड्रा के पास मौका बनता है जैसे राइवलरी पिन डाउन हो जाती है, लेकिन मार्कोस गेमिंग भी है जो कि इस टीम के लिए दिक्कत पैदा कर सकते हैं। अपोलो ग्रेनेड कुक कर रहे हैं, मार्कोस को एलिमिनेट किया जा सकता है। मार्कोस के ब्लास्ट पे ओपन मैरी की गलती करते हैं, अपोलो उसका पूरा पूरा फायदा उठा के उनको डाउन कर जाएंगे। मौका है कि ग्रेनेड यहां पर शिकार बन सकते हैं। खिलाड़ी निग्मा गैलेक्सी के एमजे डाउन हो जाते हैं आखिरी प्लेयर निग्मा की तरफ से बचते हुए। तो मुश्किल लग रहा है यहाँ पर, बट जो भी है विक्सी देखिए वही खिलाड़ी जिसको एक नया जीवनदान मिला था, वो अपने साथियों को वो जीवनदान दे रहा है। लेकिन हाइड्रा मेरे ख्याल से देखिए अभी के लिए इंतजार कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि इतने फिनिशेस काम नहीं चल रहा कैप्टन। अभी तक अगर देखा जाए लगभग 3 से 4 मेरे ख्याल से 5 मिनट हो चुके हैं और अभी भी 5 टीम ही सर्वाइव कर रही है, कोई भी यहाँ से एलिमिनेट नहीं होना चाहता है। विक्सी को यहाँ पर एलिमिनेट करके कहीं यहाँ पर दिक्कत में, लेकिन विक्सी अपने एलिमिनेशन से पहले वो अपोलो को बचा तो जरूर चुके थे, लेकिन अब हम जो देख पा रहे हैं निग्मा गैलेक्सी का एलिमिनेशन और वो मार्कोस के ब्लास्टर के द्वारा जो एक सटीक ग्रेड था, बट कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी पोजीशन भी कॉम्प्रोमाइज करा दी है। तो राइवलरी और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं राइवलरी के चांसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दारू खिलाड़ी जीवित, सर्कल का एक्सेस भी, हाइड एडवांटेज भी, और क्या चाहिए आपको रीजन जीतने के लिए? K47 वेल फिलहाल के लिए तो जीवेदी और उनके पास कितने फिनिश थे कैप्टन, 3 फिनिश था। अगर वहां से वो एलिमिनेट हो जाते कैप्टन 5 से 7 अंक लेके जाते, बट अभी के करंट स्टेटस में और उनके पास 4 फिनिशेस हैं और अभी के लिए अगर वो एलिमिनेट हो भी गया है कैप्टन 15 से भी ज्यादा अंक लेके गए, तो मुझे लग रहा है हाइड्रा के भी चांसेस यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोशिश की जा रही है यहाँ पर थोड़ा सा स्मोक, थोड़ा सा विजन ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है, बट जैक्सेंसर्स क्या आप ये दो जो है आपका क्या जिता सकता है, क्योंकि फिलहाल के लिए आपने सिचुएशन अभी के लिए 2v3 की होती है, बट इसलिए जो मैं देख पा रहा हूँ जैक्सन आपको आगे जाना ही पड़ेगा। बट यहाँ पर की गई थी, बट अच्छा खासा एक कवर फायर भी हमें देखने को मिलता नजर आएगा। 2 खिलाड़ी यहाँ पर डाउन होते नजर आएंगे और रेवेंज ऑटोबॉट्स उनकी उम्मीदें भी इधर इधर रहती हुई नजर आएगी, क्योंकि ऑटोबॉट्स अब शायद वो भी एलिमिनेट हो चुके हैं जैसा मुझे यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है। और अनस्टॉपेबल 3 फिनिशेस है उनके पास, टॉप 5 में आ चुके हैं, 8 अंक तो निकाल दिए गए, लेकिन कैसा रहेगा गाइस? मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ हमारे उस ओवरऑल स्टैंडिंग्स के, मतलब ओवरऑल रैंकिंग का आने के लिए। बाकी आप भी कैलकुलेट करते रहिए, बाकी मैं ज्यादा सस्पेंस पे आपको मतलब अब रखे रहूंगा, ज्यादा मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा आपके सामने। गेम जोन ने चलिए फाइनली डिसाइड कर लिया है कि अब चीजों को रिवील नहीं करना है, थोड़ा सस्पेंस बनाए रखना है, तो हम भी सस्पेंस बनाए रखेंगे। कैनरी बचे हुए एक सोलो सर्वाइवर अपनी टीम से और वो लगातार बचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कोशिश की कि मियाओ को वो किसी तरीके से बचाकर पहले फ्लोर पर लेकर आ सके, बट उन्हें अब एलिमिनेट कर दिया जाता है। कुछ मोलोटोव्स, कुछ यूटिलिटीज जो इनके पास अभी के लिए बचे हुए थे उनका इस्तेमाल ये करते चले जा रहे हैं, बट यहाँ अब इनको सामना करना है हाइड्रा के कुछ खिलाड़ियों का। नीचे आते हैं स्टेयर से और डायनामाइट के द्वारा स्पॉट कर दिया जाता है, बट डायनामाइट वो डाउन किए गए उन्हें फिनिश करने की कोशिश, बट पीछे से सही मौके पर वो कवर फायर, वरना दिक्कतें बढ़ सकती थी। और कैनरी का भी एलिमिनेशन, TUB की टीम इस मैच से बाहर, एलिमिनेट होते हैं 10 प्लेसमेंट पॉइंट मिलेंगे। डिवाइन चलिए एक और यहाँ पर हम जो है सस्पेंस एक बार खोल लेते हैं, मतलब लाइक बताना जरूर चाहेंगे कि हाइड्रा यहाँ पर ओके तो यहाँ पर मेरे ख्याल से शायद नहीं जाते सस्पेंस खोलवाना, तो बट इतना है गाइस कि यहाँ पर जितनी भी टीम आपको नजर आ रही है रेवेंस तो ऑन टॉप आपको नजर आएगी। चले इतना तो यहाँ पर मैं सस्पेंस खोल ही सकता हूँ कि #1 के साथ ये क्वालिफाई होते नजर आएंगे और #1 के साथ मतलब एक प्राइड मोमेंट रहता है, लेकिन स्टार ईस्पोर्ट्स ये परफॉर्मेंस आपका पहले कहाँ रह गया था, क्योंकि सकता है बट अभी के लिए हाइड्रा ईस्पोर्ट्स इनके सामने चैलेंज स्टडी का, ऑस्टिन बॉर्डेक्स का, देखते हैं कि आप एक ही झटके में क्या दोनों स्प्रे पे ही डाउन करते नजर, क्योंकि एक जैक्सन को तो डाउन कर चुके हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए डायनामाइट को भी नॉकआउट कर चुके हैं और शायद हो सकता है कि सीक्रेट को भी करते हुए नजर आ जाएंगे, लेकिन दोनों तरफ से फंसते नजर आ सकते हैं यहाँ पर सीक्रेट, क्योंकि पीछे से सोनिक बॉक्स उनके स्प्रे से आप कैसे बचेंगे, क्योंकि वहां से तो आप कंप्लीटली ऑफ गार्ड है। ओ सीक्रेट निकल चुके हैं सही वक्त पे, सीक्रेट बचने की पूरी कोशिश करते हुए अपने तरफ से नजर आ रहे हैं। ऑस्टिन बॉर्डेक्स का स्प्रे बट कुछ खासा फायदा मिल नहीं पाएगा, वहीं सोनिक फॉक्स के स्प्रे के साथ सीर भी जरूर से डाउन होते हुए हमें देखने को मिले। सर्कल अब श्रिंक होने की बारी आ रही है, अब हम देखने वाले हैं 7वां सर्कल विटनेस करने वाले रिवेंज के सोनिक फॉक्स, वो अभी भी मौजूद एक अच्छे छोर पर देखने को मिलेंगे। भले ही एक सोलो प्लेयर है बट अगला सर्कल इन्हें फेवर कर सकता है, और अगला सर्कल इन्हें फेवर अगर करता है
तब और भी फिनिशर्स निकालने के चांसेस उनके लिए बढ़ सकते हैं, बट अब डिपेंड करेगा ये अगला सर्कल किस टीम को फेवर करता है, किन खिलाड़ियों को फेवर करता है। डायनामाइट बीट आउट होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं, यानी कि सीक्रेट ही रहेंगे वो आखिरी प्लेयर टीम हाइड्रा से, और वो टीम हाइड्रा बैक टू बैक दूसरी बार अपनी टीम को टॉप थ्री के अंदर लेकर आने में कामयाब हुए। बट सोनिक फॉक्स का एलिमिनेशन तीसरे स्थान पर, जैसा कि हमने कहा था, वो अभी भी एवरेज पॉइंट्स निकालने में कामयाब हुए हैं, वो किसी भी मैच के अंदर चूक नहीं रहे अपने लिए एवरेज पॉइंट्स निकालने से। बट सीक्रेट जो एक सुपर प्लेयर बचे हुए अपनी टीम से, वापस से #2 अपनी टीम को लेकर आ चुके हैं, और वो सर्वाइवल, यही वो सर्वाइवल जिसकी जरूरत थी इन्हें क्वालिफाई करने के लिए। आप देखिए 36 अंक उन्होंने प्लेसमेंट पॉइंट के जरिए निकाले जो #2, अभी के लिए हम बोल नहीं सकते, अभी भी क्योंकि चांसेस बन सकते हैं कुछ भी, बट अभी जो चांसेस हैं वो लाइक #2 में आने के ज्यादा है। बट हाँ, ये #1 भी कन्वर्ट किया जा सकता है अगर एक एक खिलाड़ी अगर आएंगे स्टडी स्पोर्ट्स के, अगर एक एक करके वो नॉकआउट होते हैं तब उम्मीद यहाँ पर बांध सकते हैं। बट खुश रहेगी हाइड्रा स्पोर्ट्स भी, काफी खुश रहेगी इस प्रदर्शन से, क्योंकि अगर ये नहीं आता प्रदर्शन, अगर मान लीजिए ऐसे मोमेंट्स पे जहां पर वो टीम पहले टॉप 5 आने के लिए काफी स्ट्रगल कर रही थी, फिर टॉप 2 बार बार आ जा पाती है, अगर नहीं आते तो शायद यहाँ पर हाइड्रा के भी काफी मुश्किल रहता क्वालिफिकेशन शायद अभी के लिए। तो चलिए जब हम ओवरऑल देखेंगे तो वहां पर देखेंगे कि क्वालिफाई हुई है कि नहीं, और अगर हुई है तो कौन से फायदा पे जाके, बट अभी के लिए बिल्कुल चलते हैं यहाँ पर स्टडी की तरफ। 25 अंक उनके द्वारा निकाले गए, टोटल फिनिशेस थे उनके विनर चिकन के साथ 10 फिनिशेस। हाइड्रा स्पोर्ट्स 18 अंक निकालते हुए दूसरे पायदान में। रेवेंज ये तो चाहे कोई से पोजीशन रहते #1 ही आना है इनको ओवरऑल पे, तो हमें पता है एंटिटी गेमिंग के 10 अंक है, माइट बी सफिशिएंट, देखते हैं रहता है कि नहीं TUB। अब देखते हैं कि जो 10 अंक है कितना क्रूशियल रहेंगे, क्योंकि रहेगी इनके ऊपर भी नजर। इनसेन ये 10 अंक पहले, आप अगर पिछले जो 3 मुकाबले उसमें भी अगर अच्छे अंक आप निकालते तो शायद आप भी उस होड में रह सकते, बट इनसेन के तो मुझे काफी मुश्किल नजर आ रहे हैं। ऑटोबॉट्स के लिए भी काफी मुश्किल, लाइक उनका जो पहला मैच का चिकन था इतना शानदार वे में टॉप 5 में आ गए थे, बट 3 मैच अच्छे नहीं गए जिसके चलते वो भी अभी मुझे लग रहा है मुश्किल ही रहेगा उनके लिए। वेलोसिटी गेमिंग लेकिन जो टॉप 5 का था सफर, क्या यहाँ पर हमें देखने को मिलती हुई नजर आई है टीम्स? ओके, अगर हम बात करें, हमारे सामने अब लिस्ट आ चुकी है। रेवेंज 176 अंकों के साथ पहले स्थान पर, निग्मा गैलेक्सी 141 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर, एंड टडी ये एक सरप्राइज एंट्री हमें देखने को मिलती नजर आएगी, 128 अंक थे। ओके, तो मैं जैसे देख पा रहा हूँ देखिए ये टीम आठवें स्थान पर थी और 103 अंक थे, लेकिन एक चिकन डिनर आपको कैसे एक मैसिव जंप लगा सकता है ये हमें देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। FSE Sports 124 अंक, मतलब उन्होंने इस गेम से कुछ ना कुछ अंक बटोरे थे, 2 अंक बटोरे थे, उसके चलते वो ऊपर आते नजर आए, एंड निराशाजनक स्थिति राइवलरी और TUB के लिए मुझे देखने को मिलते नजर आएगी। एंड कैप्टन आप बात भी कर रहे थे कि कुछ ना कुछ टीम ऐसी नजर आएगी हमें जो लास्ट मोमेंट पे लाइक पिछड़ते नजर आएगी, एक एक पॉइंट से पिछड़ते नजर आएगी, एंड मुझे भी थोड़ा सा जरूर लग रहा है लाइक काफी भारी दिल से लाइक उन टीम्स को अब हमें अलविदा कहना पड़ेगा जो टॉप 5 के बाद हमें लिस्ट जो भी देखने को मिल पा रही है।